इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गैस इफ्टो का पाइप पुराना होने के बाद चेंज करते हैं, दूसरा नया पाइप लाकर इस गैस इफ्टो के जो है यहाँ पर कनेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कई बार पाइप में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये जो पाइप है यहाँ पर लगाने से आसानी से नहीं लगता है। उस कंडीशन में किस तरीके से आप अपने गैस चूल्हे का जो पाइप नहीं लग रहा है उसको लगा सकते हो, सबसे सिंपल और आसान तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पाइप जो होता है नया वाला वो इस नोजल के साथ नहीं लग रहा है, तो इस पाइप में ऑयल वगैरह नहीं डालना है। सिंपल इसमें साबुन पानी या फिर निरमा पानी का यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल पानी जो है यहाँ पर इस तरीके से इस नोजल पे भी लगाइए और इसके साथ भी निरमा पानी का यूज़ कीजिए। इससे ये होगा कि निरमा पानी इसमें हल्का सा डालेंगे तो उसके अंदर जो फिसलन होता है, निरमा पानी के अंदर फिसलन, वो इजीली इस पाइप को इस गैस चूल्हे के साथ इसमें जो नोजल है के साथ कनेक्ट करने में इजी हो जाता है, क्योंकि निरमा पानी फिसलन होता है और सूखने के बाद इसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कतें भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर तेल यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी या फिर यहाँ पर साबुन या निरमा पानी का यूज़ करके बहुत सिंपल तरीके से इस पाइप को लगा सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिली तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।